नमस्कार, अर्थ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। अगर बात की जाए जम्मू की, तो जम्मू में अभी प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। हालांकि अब टोल टैक्स में भी 10% जो है वो बढ़ा दिया जाएगा कि अब अगर आपने जम्मू से बाहर जाना है, अगर आपने कटरा जाना है या फिर सांबा जाना है, तो आपको टोल में जो है 10% जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और ये 1 अप्रैल से जो है वो लागू होने वाला है। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रताप सिंह जम्वाल जी, इनसे हम बात करते हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स तो था ही, अब टोल टैक्स पर भी 10% एक्स्ट्रा लगने वाला है। भारतीय जनता पार्टी डोगरी अच्छा भारतीय जनता पार्टी भुक्खी नंगी हुई जी, फाके लगा दे उन्हें, और सारे का सारा जो है भुगतान वो आम जनता ही करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो हमेशा लूट घुसूट करते रहे, जनता को लूटते रहे, कभी 15 लाख के नाम पे, कभी काला धन के नाम पे। और ये वही मोदी जी हैं जिनको आज हर एक नागरिक सपनों का सौदागर कह रहा, झूठे सपने दिखाना भारतीय जनता पार्टी का मुझे था एकमात्र धर्म बन चुका है। जम्मू में कभी टोल टैक्स, कभी एक्साइज पॉलिसी के नाम पर लूटना, कभी सड़कों पे पीली पट्टियाँ डाल देना, उसके नाम पे टैक्स जजिया लेना, उसके नाम पे लूटना, और प्रॉपर्टी टैक्स आ गया, कचरा उठाने के नाम पे लेना, बिजली के स्मार्ट मीटरों के नाम पे लूटना। मी एक गल दसो आदित्य जी, फुलके खा दे जेडे अस, एह्दे उपर भी टैक्स लाओ। सखने भारतीय जनता पार्टी वाले, फुलकियों पर भी टैक्स लाओ, साह कोई की लिया एह्दे उपर भी टैक्स लाओ। अगर तुंदा खजाना खाली हो चुके दा, मोदी साहब की बड़ी बड़ी होर्डिंगां लगदियां करोड़ों रुपये खर्च होता, उतने कुछ चेता नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जिसकी कोई पुछिए राजी नहीं है, जो ने कोई बुलाइए राजी नहीं, क्योंकि झूठ मारना बिंदु को ना, मैं बैठे ना आऊँ बैठे चिंता नहीं करनी। लोग नौजवान सड़कों पर धरने प्रदर्शन करा, अपना हक मंगा करता, इन्हें कौन मारे मैं दसो, इन्हें तो कोई बुलाइए राजी नहीं। लेकिन जिन्ना खर्चा अपनी सिक्योरिटी उपर करा कदम, तमाम भराई जी है आम लोगों को, कभी प्रॉपर्टी टैक्स के नाँ पर, कभी टोल के नाँ पर, और सड़क दिख लो तुम हाईवे दिए क्या, पूरा हाईवे लखनपुर को लेइया कंजवानी तो तोड़े दा, किस गल का टोल देना सभी दसो। उतू निकल जाए, पहले जब जम्मू में टोल लगने वाले थे तो कहा गया था कि 60 से 80 रुपये जो है वो आपको देने पड़ेंगे, लेकिन अब अगर बात की जाए तो 240-300 के करीब जो है वो टोल टैक्स देना पड़ रहा है। और यहीं पर अगर बात की जाए अभी प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा जो है गरमाया हुआ, उस पर ये बोला जा रहा है कि 500 से 1000 रुपया या 800 रुपया जो है साल का देना पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है कि 500 से 800, 800 से 8000 कब हो जाएगा? देखो आदित्य जी, पहला नंबर जरा टोल बधाया, इतों जाओ ना तुम कपड़े लगाइया, 2-4 किलो मिट्टी तुम जी इं बाले उपरा फंडगे ना, वो निकली जी है, क्या इस गल का टोल देना असें? क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो कि डेवलपमेंट है जी 33 बर्फ पान ले पी जम्मू बच्चे आई है? इन्हें लोगों की बीजेपी आने की कख नहीं चाहिए, इन्हें थोड़ी परेड की जरूरत है महाराज, और कख नहीं है, इन्हें थोड़ा जहा दो दो लाने की जरूरत है, और कुछ नहीं है। ये जहाँ तो मैं लगता था कोई कुछ सुट्टी लेंदे ओदे विच फैसले ले लेंदे, ते जां फिर राती कोई ज़्यादा चढ़ाई लेंदे, ये इंदे दोनों दा दोनों विच एक काम है जरूर करदे। मैं तां एक गाना ने, जाने वो कौन सा नशा करता है, यार मेरा हमसे वफा करता है, ये जनता कने वफा करा दे, नशा वाकई कोई करदे उस नशे दे आदी होई है, ये जनता कने पुठे सिद्धे फैसले करदे हो। तुस अज दिखी लो जिन्हें भी इन्हें फैसले किए, जनता कोई फैसला मंजूर नहीं है, कभी एपटेक कंपनी लेंदे ओदे विच भी घोटाला, कदे नौजवानें भी तुस लुटा करदे, कार चूल्हा चौंका जरा एक गृहस्थी चलाती है, जरा खाने का प्रबंध पूरा करती है, अज गैस सिलेंडर की कीमत दिख लो उत्थे भी तुस सेंध मारा करदे, बैंकें में ATM में मतलब 4 बारी कोला वध पैसे कटा के उत्थे भी तुस टैक्स कट्टी लैना, हर जगह तुस टैक्स उपर टैक्स कट्टा करदे, बीजेपी आह्ले तुस चाहुंदे की हो? आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर? अस बीजेपी के इे काले कानून के खिलाफ है, अस चाहते हैं कि सरकार जनता की जी खून पसीने की कमाई है ये पर डाका दाना बंद करे। आम आदमी पार्टी का विरोध कर दिया, हमेशा कर दिया, अस चाहते लोगों की जी सुविधा है, जोड़ा लोग वोट देंगे सरकार चुनते, सरकार का जिम्मेवारी बनती कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, महिला सशक्तिकरण और रोजगार का जो साधन है सरकार ने उपलब्ध कराना चाहता जनता ही, जी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करा कभी। रोजगार सिर्फ ये अपने लोगों ही दिया करते, कभी कोई माफिया लिया है, कभी किस तरह कने, ये जरा काम है ये नहीं चलने वाला। आम आदमी पार्टी जिस दिन जम्मू कश्मीर के अंदर सत्ता बच्चे आई, इन्हें तमाम फैसले की उखाड़िया बाहर सुट गए, और बीजेपी आए जो घुटाले करा कहते इन्हें अंदर ठोक उड़ गए। ऑल पार्टी मीटिंग को आम आदमी पार्टी किस तरीके से देखती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है पहले इसके खिलाफ थी, लेकिन अब कुछ नेता जो है वो आम ऑल पार्टी मीटिंग में दिखाई दी? देखो आदित्य जी, मैं पहले तुम्हारी मुस्कुराहट लगा कर देखी कि कोई ऐसा पूछने वाले दसो हो,
एक गल स्पष्ट कर जाए कि आल पार्टी मीट है, एक गुपकार मीट नहीं है। आल पार्टी मीट है, वो आल पार्टी इस चीज़ लिए कि जरा कतल लोकतंत्र का होआ करता, जरा डेमोक्रेसी का कतल होआ करता, जरा एजेंसियों का इस्तेमाल होआ करता, जरा पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करिए नौजवान दवाए करता है, ये आल पार्टी मीट है। ये आल पार्टी मीट कोई गुपकार मीट नहीं है, गुपकार वाली कश्मीरी। लेकिन एक से दो लीडर ही देखे गए ना, बाकी लीडर क्यों नहीं गए फिर आल पार्टी मीटिंग में? देखो पार्टी बच्चे पार्टी जिम्मेवारी दी है हर एक ही, तुस दी जिथे खिंचना चाहते ना, ऐसा कुछ है नहीं है। तुस जो चीज़ समझा करते हो ना पार्टी के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी एक मत है और एक लीडर की जिम्मेवारी होंगी है कि आल पार्टी मीट बिच तुस देखो तमाम पोलीटिकल पार्टी का एक एक नेता एक एक नुमाइंदा आया, इन्हें साड़ी पार्टी का भी एक नेता की जिम्मेवारी दी आल पार्टी मीट अटेंड करा दे। इलेक्शन कमीशन की उन्हें मिलना लगभग अज मिली बैठे होने, तो ये कि जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी को इनविटेशन आया था आल पार्टी मीटिंग का। आदित्य जी भी समझ नहीं लगा कभी कि अज तुस मतलब कि नहीं, लोगों के मन में ये सवाल है क्योंकि ऐसे गुपकार का नाम दिया जाता है ऑल पार्टी मीटिंग, देश विरोधी के लिए मीटिंग करवाई जाती है, गुपकार के लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी हम उनका समर्थन कर रही है। पार्टी के ऊपर आज आदित्य जी कुछ ज्यादा आक्रामक लगा कर दे, लेकिन एक गल स्पष्ट है आदित्य जी, इनविटेशन आया था आम आदमी पार्टी तैयार गई बिल्कुल सलाह मशवरे कन्नै, ये कोई दौर आए नहीं है कि कोई जिस चीज तो ऊपर तुम अंदेशा कराए जा जिस चीज वाली बखी तो इशारा गए थे वो सलाह करके गए थे। बिल्कुल पार्टी का ये पर मत है कि आल पार्टी मीट अटेंड करनी, गुपकार मीट अटेंड नहीं करनी। देखो पार्टी की जिम्मेवारी है ना, एक सीनियर नेता साढ़े इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव, उन्हें पता है कि अज कि डेमोक्रेसी का कतल जरा यह सरकार करा, कभी कि नौजवानों की डरा धमका, कभी कि पुलिस प्रशासन और एजेंसी का दुरुपयोग करा कभी, तो मुझे लगता एक एक नेता ही पार्टी का पूरा पक्ष रखा करते। अज इलेक्शन कमीशन की जिंह मिले लगभग तमाम राजनीतिक दलों के एक एक दो दो नुमाइंदे ही मिला करते ना, तो मुझे लगता उतना पार्टी का पक्ष रखने एक नेता काफ़ी है। लेकिन जो आपके अकेले नेता गए थे वही अकेले नेता जो है इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रदर्शन करते हैं, देखो फिर आम आदमी पार्टी क्यों नहीं होती उनके साथ, वो तो अकेले जाते हैं। आल पार्टी मीट ले पार्टी ने एक नेता की जिम्मेवारी सौंपी दी है, जिन्हें हम पार्टी के अंदर सानू एक जिम्मेवारी है कि पार्टी प्रवक्ता ही पार्टी का स्टैंड मीडिया बच्चे रखते, इं एक नेता की जिम्मेवारी सौंपी दी कि तुसे आल पार्टी मीट बच्चे जाना, उत्थे अपना पक्ष रखना कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराओ, उत्थे पक्ष रखना कि नौजवानों की गल सुनो, उत्थे पक्ष रखना एपटेक जैसी ब्लैकलिस्टेड कंपनियां इन्हें बाद रस्ता दसना, वो ये पक्ष रखना कि जम्मू कश्मीर के अंदर जेडे बेरोजगारी बता कदी ये पर गल करनी, पक्ष रखना कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज टूरिज्म और जेडी सुरक्षा व्यवस्था डगमगाई दी पर पक्ष रखना। तो मेरे कहा एक नेता की पार्टी ने जिम्मेवारी सौंपी रही और वो नेता बखूबी इस जिम्मेवारी की निभा कर दें। तो चलिए एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, अब जैसे ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो उसमें जो आपके नेता गए थे वो क्या हर एक अब ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल होगी आम आदमी पार्टी? देखो सिर्फ ऑल पार्टी मीट जेडी कि लोकतंत्र की लेइए गल करग, आल पार्टी मीट जेरी रोजगार की लेइए गल करग, आल पार्टी मीट जेरी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की लेइए, रोजगार की लेइए, रोजगार की लेइए, और इन्हें नौजवानों कने जां जेरे अज डेली वेजेस वगैरह जेरे बैठे रहन इंदे हक की गल करग, वो आल पार्टी मीट जेरी होएगी लोकतंत्र की बचाने लिए वो अटेंड की जाए। लेकिन गुपकार का हिस्सा अज भी थोनू आखी ना, गुपकार का हिस्सा अस नहीं है ना, अस कभी बन गए और ना अस कभी है। तो ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह जम्वाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लगना चाहिए, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अब ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो देखने को मिले। अब देखना ये होगा कि क्या फैसला जो है वो लेती है सरकार कि क्या प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। लेकिन आपको हम बता दें कि 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगने जा रहा है, आप लोग क्या राय है आप भी जरूर साझा कीजिएगा। तब तक बने रहे आप द अर्थ न्यूज़ के साथ।